सो गुड इवनिंग गाइस, लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पोस्ट मार्केट वीडियो एनालिसिस। सो काफ़ी एक क्रिस्पी दिन था आज का। सो आपको दिख ही गया कि मार्केट में कितना बड़ा एक रैली हुआ। ऑल्दो इट इज नॉट एक्सपेक्टेड दैट कि मार्केट का इतना बड़ा रैली हो सकता है, बट मार्केट में इतना एक्सपेक्टेड था कि हम लोग पुट की साइड में तो बिल्कुल नहीं रहेंगे, राइट। अगर मैं मॉर्निंग के ट्रेड सेटअप की बात करता हूँ, जो हमने मॉर्निंग में देखा था, जब मैं मॉर्निंग में लाइव सेशन में आया था, तब मैंने यहाँ पे क्लियरली आपको बता दिया था कि इस एरिया से पहले पुट की तरफ आँख उठाकर देखेंगे भी नहीं। और इससे यहाँ पे एक ट्रेड सेटअप हमारा बना था, जो मैंने यहाँ पे दिया भी था। इसके बाद में हमारा फर्स्ट टारगेट हुआ, देन सेकंड टारगेट हमारा यहाँ पे ऑर्डर ये वाला एरिया प्लेस नहीं हुआ था, जो हमने EDIC पे प्लेस डाला था। बट इस ट्रेंड लाइन के बाद में यहाँ पे बहुत ही बड़ा लाइक एग्जॉस्टिव मूवमेंट देखने को मिला था यहाँ पे इस एरिया पे। यू कैन सी दैट कि 18,800 तक के लेवल को क्रॉस कर दिया था। मैंने मॉर्निंग में आके एक न्यूज़ यहाँ पे बताई थी कि इस बार हो सकता है दैट फेड जो है वो 75 बेसिस का पॉइंट हाइक ना करके 50 बेसिस पॉइंट का हाइक करे, जिसको लेके मार्केट बुलिश हो सकता है, करेक्ट। मैंने ये चीज़ आपको मॉर्निंग में आके ही बता दिया था। तो कहीं ना कहीं वी आर एक्सपेक्टिंग दैट कि जो मूवमेंट है ये इसी चीज़ को लेके आया है, ठीक है। सो अब अगर मैं बोलता हूँ कि 50 बेसिस पॉइंट का हाइक हो भी जाता है, राइट, 50 बेसिस पॉइंट का हाइक कर भी देते हैं, सो उस टाइम पे इतना बड़ा रैली देखने को तो नहीं मिलेगा, बट कहीं ना कहीं मार्केट रेंज बाउंड तरीके से दिख सकता है, राइट। सो ये रहा आपका निफ्टी का। एंड बैंक निफ्टी में जब हम लोग आए थे लाइव में, हम लोग बात कर रहे थे कि बैंक निफ्टी के अंदर जहाँ पे आपका लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था, जब मैंने बात करी थी कि लास्ट ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट वहाँ पे काफ़ी लोगों के SL ट्रैप कर रहा है, जो नीचे में लेके बैठे हैं, उन सबके SL जा रहे हैं पहले, और SL जाने के बाद में मार्केट ने सेम यही सेटअप वहाँ पे बनाया था, और उसके बाद में मार्केट वहाँ से बहुत ही एग्जॉस्टिव रैली लेके गया है ऊपर की तरफ में, राइट। सो वहाँ पे एक चीज़ जो लॉजिक यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमेशा मार्केट के इवेंट्स को लेके और मार्केट्स के अंदर जो आपके एरिया जो ऑर्डर ब्लॉक्स है उन पे आपकी नज़र होनी चाहिए कि यार ऑर्डर ब्लॉक्स कहाँ पे हैं, ठीक है। वो आपको एक्सपीरियंस के साथ पता चल सकता है, ठीक है, और चाहो तो आप उसमें लर्निंग करोगे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, जितने चार्ट्स को आप देखोगे उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा, राइट। और हमारे कोर्स में भी ये चीज़ बताई जाती है कि ऑर्डर ब्लॉक्स में कैसे हम लोग प्राइस एक्शन के थ्रू इस चीज़ को पकड़ सकते हैं, बिकॉज ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपके लॉसेस के एरियाज बहुत छोटे और प्रॉफिट के एरियाज बहुत बड़े होते हैं, राइट। जब हम लोग इस सेटअप पे हमने ये डाला था, इसका एरिया भी आपका 1:3 और 1:4 के अराउंड था, जो कि यहाँ पे दिख भी रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं एक बार कि नेक्स्ट अब क्या हो सकता है। देखो, हम लोग इतना बड़ा जो एग्जॉस्टिव रैली हुआ है इसको लेके अब कोई कमेंट नहीं किया जा सकता कि यहाँ पे अब कहाँ पे बाइंग आएगी इस एरिया में, बिकॉज यहाँ पे कोई भी बेस एरिया नहीं है, बेस सिंपल आपका इस एरिया में आ रहा। तो जब तक मार्केट इस एरिया में नहीं फॉल करेगा तब तक के लिए हम लोग यहाँ पे कोई भी बाइंग या फिर कोई भी सेलिंग का पोजिशन नहीं देख सकते हैं। हाँ, एक हो सकता है पॉइंट कि अगर हमको स्कैल्पिंग करना है तो स्कैल्पिंग पर्पज से हमको कल एक बार मार्केट को देखना पड़ेगा कि कल मार्केट अगर यहाँ पे कहीं ओपन होके अपने स्टार्टिंग के 5-10 मिनट के जोन को निकाल लेता है डाउनसाइड के लिए, तो हमको एक डाउनसाइड कुछ देखने को मिल सकता है जस्ट फॉर द स्कैल्पिंग पर्पज। बट ओवरऑल अभी भी मार्केट कुछ किसी भी हालत से हम लोग पुट की तरफ में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर नहीं देखेंगे, राइट। एंड सेकेंडली अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, एक कुछ टाइम पहले ही सेम मूवमेंट से देखने को मिला था मार्केट के अंदर। सो यू कैन सी दिस कि यहाँ पे जब बैक टू बैक रैली आया था, उसके बाद मार्केट एक सिंगल कैंडल बनाया, देन उसके मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ। सो इस तरह का कुछ जो मूवमेंट है वो एक्सपेक्टेड है आपके सेम इसी एरिया पे, राइट, सेम इसी एरिया पे है। और कल आपका एक्सपायरी है तो मोस्टली लोग ट्राई करेंगे बाइंग की तरफ में ना रखें, हम लोग शॉर्टिंग की तरफ पे अगर अपने आपको देखें, मतलब कि कॉल शॉट या फिर पुट शॉट की तरफ में देखें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, राइट। दैट इज इन द निफ्टी। एंड प्लीज़ मेक श्योर कल आप बहुत एग्रेसिव मत होना, बिकॉज जो कल का मूवमेंट या फ्राइडे का मूवमेंट होना था वो आज ही आ चुका है मार्केट के अंदर। सो बहुत बड़ा एक मूवमेंट पकड़ पाना कल के सिनेरियो में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, राइट। कल मार्केट में रेंज बाउंड या फिर काइंड ऑफ एक ट्रैपिंग जोन ज़्यादा रहेंगे, बट आज का मार्केट बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट था, परफेक्ट ट्रेड्स मिले थे आज के मार्केट के अंदर, जो मैंने आपको मॉर्निंग के अंदर आके बता दिए थे, ठीक है। एक बार हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में सेम मैंने आपको जब मॉर्निंग में ये चीज़ बताई थी कि फेड अगर फेड का 50 बेसिस पॉइंट का हाइक होता है इंस्टेड ऑफ 75 बेसिस पॉइंट, सबसे ज़्यादा सेक्टर जो इफेक्ट होगा वो आपका बैंक निफ्टी होगा, मतलब बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा आपको रैली देखने को मिलेगी। एंड बैक टू बैक यही चीज़ यहाँ पे कंटिन्यू हुई जब मार्केट ने इस एरिया में अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया और फिर यहाँ पे आपका हाई राइज का पैटर्न क्रिएट हुआ, देन मार्केट रुका ही नहीं है। उसके बाद में मार्केट ने इतना बड़ा एक मूवमेंट दिया और यहाँ पे जो लास्ट टू लास्ट जो रेजिस्टेंस था वहाँ पे आके अपने आप को रोक दिया। नाउ बैंक निफ्टी में एक चीज़ हो सकती है, अगर बैंक निफ्टी में कल यहाँ पे कोई भी एक लोअर लोज का पैटर्न या फिर कुछ भी एक जोन यानी कि कर्व्स बन गया, अगर वो ब्रीच होता है, देन हम लोग एक शॉर्टिंग की तरफ पे छोटा सा मूव कैप्चर कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं रहेंगे, ऐसा बहुत छोटा रहेगा, वो हम लोग को कल के पॉइंट में ही पता चल पाएगा, बिकॉज आज मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ पे मूवमेंट देख के जा चुका है, ठीक है। सो ये बोल पाना कि पुट के साइड में हम लोग लेके बैठ जाए कल की उसमें तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा इस पॉइंट पे,
ठीक है। सो अगर नेक्स्ट एरिया अगर मैं बोलूँ कि मार्केट अगर कहीं किसी भी पॉइंट पे अगर मान लेते हैं मार्केट इस जोन पे हमको दिखा, इस एरिया पे डेफिनेटली हम लोग यहाँ से अपने आप को एक बाइंग की तरफ पे देख सकते हैं वंस इट्स मेक्स द हायर एंड हाई स्पाइकिंग का, राइट। सो ये रहा आपका निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। एंड बात कर लेते हैं स्टॉक के बारे में, तो IEX एक स्टॉक है जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। IEX का स्टॉक जो कि डेली टाइम फ्रेम पे, राइट, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे बात करता हूँ इसकी IEX की, तो यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। सी यहाँ पे आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हो गया है एंड यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो चुका है, मतलब कि कैरेक्टर में चेंज यहाँ पे हो चुका है। नाउ व्हाट वी नीड टू दैट, व्हाट वी नीड टू फॉलो है कि हम लोग को डायरेक्टली नहीं कुछ भी करना है यहाँ पे, वी नीड टू यू नो वी नीड टू वेट फॉर दिस एरिया, हम लोग को इस एरिया का वेट करना है। जैसे ही मार्केट इस एरिया पे आएगा वी विल थिंक अबाउट दैट कि यहाँ पे हम लोग को कैसे लेना है, लाइक यहाँ पे कोई ना कोई बेस या फिर कुछ ना कुछ बुलिश का सिग्नल मिलेगा देन वी विल गो फॉर द अपसाइड, राइट। तो इस तरीके से आप इसको अपनी वॉचलिस्ट में लेके एक बार एनालाइज कर सकते हो, एक बार चाहो तो आप इसके फंडामेंटल्स भी देख सकते हो, राइट। अगर किसी को जरूरत लगती है फंडामेंटल्स देखने की, आपको लग रहा है कि सर फंडामेंटल भी देख लेते हैं, तो यू कैन गो विद दैट, राइट। कोई इशू नहीं है, बट चार्ट वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है IEX एनर्जी। और यहाँ पे काफ़ी लोगों को ये लग रहा होगा कि सर यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, आपने यहीं पे अगर हमने यहीं पे एंट्री ली तो क्या करें। यहाँ पे एंट्री लेने का मतलब है कि अगर आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो, पेशेंस लेवल है, तो आप डेफिनेटली इस एरिया तक का वेट करो। इससे पहले पहले आप कुछ भी यहाँ पे एग्जीक्यूट मत करो एडिशनली, और या फिर कुछ भी अपनी चीज़ों को यहाँ पे एड ऑन मत करो, यानी कोई भी शेयर्स का बाय सेलिंग मत करो। यहाँ पे सिर्फ देखो, वॉच आउट करो कि जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक फिल होगा देन कैसा शूटअप यहाँ पे देखने को मिलता है, राइट। और उसके बाद कहीं जाकर इसको नेक्स्ट एरिया में इंप्लीमेंट करो, करेक्ट। एंड अब बात कर लेते हैं कल के, जब हम लोगों ने बात की टाइटन के बारे में, तो टाइटन का जो स्टॉक था वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया कल, हमने इंटरडे के परस्पेक्टिव से उसको देखा था, तो इंटरडे में कल काफ़ी अच्छा, मतलब आज इंटरडे में काफ़ी अच्छा वो परफॉर्म कर सकता है, राइट। सो यहाँ पे इसने बहुत ही अच्छा यहाँ पे परफॉर्म किया और यहाँ पे ब्रेकआउट भी मिल गया है, ठीक है। बड़े लेवल की अगर बात करता हूँ, बड़े लेवल पर भी ब्रेकआउट मिल गया। सो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में वी वर एनालाइजिंग इट कि 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिख सकता है। सी सेम ऑर्डर ब्लॉक्स यहाँ पे फिल आउट हुए एंड देन मार्केट यहाँ पे टर्न अराउंड हुआ, और बहुत ही सही तरीके से टर्न अराउंड हुआ है। और एरिया वाइज भी हम लोग का ऑर्डर प्लेस यहीं कहीं आसपास था 260 के 100 के आसपास, और यहाँ से 50 पॉइंट का रैली इसके अंदर कैप्चर्ड ईजिली कर लिया गया, राइट। सो यू कैन गो एंड वॉच दी प्रीवियस वीडियो जहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे दिखाई गई थी, मैंने क्लियरली बताया भी था, यहाँ पे सेटअप काफ़ी प्यारा मिल रहा है। एंड आप देखोगे तो कंपेरिजन वाइज निफ्टी बैंक निफ्टी में जो भी सेटअप यहाँ पे दिखा रहा हूँ सेम सेटअप आपको टाइटन में भी दिख रहा था, राइट। एंड इफ इन केस मैं 4 आवर की बात करता हूँ, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ABC करेक्शन पैटर्न आपका फॉर्म आउट हो चुका है, ठीक है। एंड इसका ब्रेकआउट भी इस एरिया पे हो चुका है, राइट। यहाँ पे आपका ABC करेक्शन फॉर्म आउट हो चुका है और कैंडल भी क्लोज हो चुकी है इस एरिया पे, बट वी नीड टू वेट कि मार्केट में अगर आप इसके बेसिस पे देखना चाहते हो तो ऑर्डर ब्लॉक्स किस एरिया में अभी पड़े हुए हैं। सो ऑर्डर ब्लॉक्स यहाँ पे आपके इस एरिया में ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, इस एरिया तक ही हम लोग को वेट करना पड़ेगा इफ़ यू वॉन्ट कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमको कुछ मिल जाए, ठीक है। इस एरिया के अराउंड जहाँ पे मैंने मार्किंग की हुई है, राइट, हम लोग को इस एरिया पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एंड एडिशनली अगर मैं बात करूँ इस एरिया से, तो आप लोगों का यहाँ पे टारगेट वाइज अगर हम लोग बात करें इस एरिया पे, तो टारगेट वाइज अराउंड कहाँ तक मैं देखने को मिल सकते हैं एक बार देख लेते हैं। टारगेट आपके 2735 तक के शो हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बट हम लोग को चाहिए कि मार्केट पहले इस एरिया पे फॉल करना चाहिए, इस एरिया में आना चाहिए, देन ओनली वी विल गो फॉर दैट, राइट। हम लोग को इस एरिया का वेट करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, और इसके जस्ट नीचे हमारे यहाँ पे SL रहेंगे, तो 1:3 के अराउंड आपके यहाँ पे रिस्क और रेशियो भी दिख रहा है। बट वी नीड कि मार्केट यहाँ पे बहुत स्लो पेस में इस एरिया में फॉल करना चाहिए, देन ओनली विल गो विद दैट, राइट। तो अकॉर्डिंग टू ABC हमारा यही सेटअप रहेगा, राइट। सो दैट इज इट इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड दी स्टॉक जो मेरे को यहाँ पे इसके बारे में चर्चा करनी थी। बट मेक श्योर कि आने वाला इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो फ्राइडे को इवेंट है, ठीक है। फेड के जो भी उनका डिसीजन रहेगा उसके ऊपर मीटिंग है, ठीक है। सो आप उसको प्लीज़ क्लीनली वॉच कीजिए और उसके बिहाफ पे ही अपने डिसीजंस को आगे लीजिए, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम, टेक केयर।